जहां मन बिना डर है। रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके बेहद पढ़े और कविताओं पर चर्चा की है। यह मूल रूप से बंगाल में 1900 में शीर्षक प्रार्थना के अंतर्गत, जिसका अर्थ था प्रार्थना में था, 1901 में इसे नाबेडिय नामक खंड में प्रकाशित किया गया था। बाद में 1911 में टैगोर ने खुद को बंगाली कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस अनुवाद को नोबेल जीतने वाली कथानक गीतांजलि गीत ऑफिंग में प्रकाशित किया गया, जो भारतीय सोसाइटी लंदन में प्रकाशित हुआ था 1912। इसलिए जब कविता लिखी गई थी, भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोग उत्सुकता से ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी पाने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कविता एक भगवान के लिए एक प्रार्थना के रूप में अपने देश के लिए सच्ची स्वतंत्रता के लिए सर्वशक्तिमान लिखा है, और इस प्रकार टैगोर ने अपनी कविता पूरी तरह से स्वतंत्रता की अपनी अवधारणा का खुलासा किया, जहां मन भय के बिना है।